नाउ माय फ्रेंड, इस 3D प्लेन के अंदर, जिसमें मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहता हूँ और इस प्लेन को मैं वर्टिकल प्लेन कहता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक लाइन जो है वो जरा ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन कम्प्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वो किस तरीके से प्रोजेक्ट की जाती है। इट विल टेक अ मोमेंट, जस्ट फ्यू मोमेंट्स, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। माय फ्रेंड, दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है जो कि एक 3D प्लेन के अंदर रखी हुई है और यहाँ पे मैंने इंटेंशनली इस लाइन को वन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन वर्टिकल प्लेन से मैंने पैरेलल बनाया है। यानी जब आप यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब बात चलेगी कि यहाँ पर जब आप डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रखते हैं और मैं कहता हूँ कि ये लाइन जो है ये वीपी के पैरेलल है, तो अगर कोई लाइन वीपी के पैरेलल हो तो उसका जो इमेज बनेगा, उसका जो इमेज बनेगा वीपी पे, वो एग्जैक्ट एक्चुअल लेंथ, उसके ट्रू लेंथ के बराबर होगा। मैं इस लाइन का नाम देता हूँ ए बी, ये जो पॉइंट होगा सामने आपको दिखेगा ए डैश, ये जो पॉइंट आपको दिखेगा सामने इसे आप कहेंगे बी डैश। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की है। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल, तो इसका मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, अगर मैं इस दूरी को आप दर्शाऊं यहाँ पर, यहाँ पे दिखाऊं आपको, हम इस दूरी की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम इस दूरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जितनी दूरी एक्स वाई लाइन से बी की होगी उतनी ही दूरी, ना वर्टिकल प्लेन से जितनी दूरी पॉइंट बी की है उतनी ही दूरी पॉइंट ए की है। डू यू एग्री? यस सर। है ना, बहुत बढ़िया। तो जब मैं पॉइंट बी, जब मैं टॉप व्यू से पॉइंट बी को मार्क करूंगा, चलिए मैं इस दूरी को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर जी ये जो दूरी है से दिस डिस्टेंस इज 50 mm, से पॉइंट बी, से पॉइंट बी इज एट 15 mm हाई, से पॉइंट ए इज 60 mm हाई। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एच पी से पॉइंट ए कितना ऊपर है, आप क्या बोलेंगे? 60 mm। मैं पूछता हूं पॉइंट बी एच पी से कितना ऊपर है, आप क्या बोलेंगे? 15 mm। This is 1.5. अच्छा, मैं पूछता हूँ पॉइंट बी वीपी से कितना दूर है? 50 mm। 50 mm। पॉइंट ए वीपी से कितना दूर है? 50 mm। That's cool. तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये ट्रू लेंथ, ये जो लंबाई है, ये लंबाई आप बोल देते हैं, चलिए इस लंबाई को मैं बोलता हूँ से 80 mm, इस लंबाई को हम कहते हैं चलिए 80 mm, कि हमारा जो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन है वो 80 mm का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई लाइन बनाते हैं, हम एक एक्स वाई लाइन बनाते हैं। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये हमारी एक्स वाई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसके ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर कौन सा प्लेन आने वाला है बताइए? कौन सा प्लेन आने वाला है? इस प्लेन को आपने क्या नाम दिया हुआ है? ये जो प्लेन वीपी, वर्टिकल प्लेन। और एक्स वाई लाइन, जैसा कि आपको पता है कि कन्वेंशन क्या बोलता है, कन्वेंशन ये बोलता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे, जब आप घुमाएंगे तो ये पार्ट तो नीचे चले जाएगा ना, तो एक्स वाई लाइन के नीचे कौन सा पार्ट आने वाला है बताइए? इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो कि नीचे जाएगा, मैं वही सवाल कह रहा हूँ कि जो नीचे गया उस प्लेन का नाम क्या है?
हॉरिजॉन्टल प्लेन, या इट्स राइट हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम लोग एक एक पॉइंट को मार्क करते हैं, मुझे पॉइंट बी मार्क करना है, चलिए मैं पॉइंट बी को मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली, हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली। रेफरेंस लाइन में पॉइंट बी डैश कितना ऊपर मार्क करूं बताइए? 15 mm। तो मैंने ये 15 mm ऊपर मार्क कर लिया, मैंने ये 15 mm ऊपर मैंने पॉइंट बी डैश को मार्क किया, मैंने इसका नाम दिया बी डैश। अच्छा, पॉइंट बी एक्स वाई लाइन, ये जो दूरी है, टॉप व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, टॉप व्यू, ये जो दूरी है, ये दूरी कितने की बताइए, ये इंप्रेशन कितना 50. दूर मिलेगा मुझे, पॉइंट बी कहाँ पर मिलेगा बताइए? 50 mm। एक्स वाई लाइन के ऊपर या एक्स वाई लाइन के नीचे, क्या ख्याल है आपका? नीचे, नीचे। तो ये एक्स वाई, माई फ्रेंड, ऊपर नहीं, माई डियर फ्रेंड, देखो ये इंप्रेशन, ये जो परछाई बनने वाली, ये जो परछाई बनने वाली है वो एच पी पे बन रही है, और एच पी घूम के नीचे जा रहा है। ओके, कन्वेंशन समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, है ना, एच पी हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अब बात चल रही है, मैं 50 mm नीचे, 50 mm नीचे मैंने पॉइंट बी मार्क कर लिया, ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, एक पॉइंट का प्रोजेक्शन, चाहे वो फ्रंट व्यू हो चाहे वो टॉप व्यू है, पॉइंट बी हमने बेटा नीचे ले लिया। अच्छा, तो अब बात चलेगी पॉइंट ए की। पॉइंट ए, पॉइंट बी से जब मैं फ्रंट व्यू में देखता हूँ, इसकी परछाई 80 mm की जो लंबाई है, वो फ्रंट व्यू में आपको एक्चुअल दिखाई देगा 80 mm, या टॉप व्यू में आपको एक्चुअल दिखाई देगा? देखिए, ये पेन है, ये पेन जो है, जब मैं अपने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल रखता हूं, तो जो इसका लंबाई है वो आपको बराबर दिखाई दे रहा है। जब मैं इसे इंक्लाइन कर रहा हूं, जब मैं इसे इंक्लाइन, मैं इस प्लेन से इंक्लाइन कर रहा हूं, तो आपको क्या वो सेम लंबाई का दिख रहा है जितना उसका एक्चुअल लेंथ है, उसी एक्चुअल लेंथ का दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, छोटा। इसको बोलते हैं अपरेंट लेंथ। जब वो पैरेलल होगा तो एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ दिखेगा। जब वो पैरेलल नहीं होगा, एंगल बनाएगा, तो वो ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देगा, वो अपरेंट लेंथ दिखाई देगा। तो कौन से प्लेन के पैरेलल है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से प्लेन के पैरेलल है, आप क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका वर्टिकल प्लेन था, एक्स वाई लाइन के नीचे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, आपको वर्टिकल प्लेन पे ट्रू लेंथ दिखाई देगा। ट्रू लेंथ कितने का बताइए मुझे? 80। अब देखिए, यहाँ पे मैं, यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ फिलोसफी के साथ चल रहा हूँ, जो आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इन और इन चीजों, इन एंटिटीज के बीच में आपको रिलेशन समझ में आएगा। मैं यहाँ पर 80 mm, मैं यहाँ पर 80 mm अपने कंपस में लेता हूँ, मैं मार्क करता हूँ जरा 80 mm इन दिस वे, मार्क किया मैंने ये 80 mm अपने कंपस में लिया, या अब देखिए मेरा पॉइंट बी डैश, बी डैश से ए डैश कितना दूर रहेगा बताइए आप? 80 mm। मैंने ये 80 mm का आर्क बनाया, मैंने ये 80 mm का आर्क बनाया, इस आर्क पे हर पॉइंट बी डैश से 80 mm की दूरी पर है, बी डैश से 80 mm की। एक बात हमको समझ में, अच्छा जब मैं फ्रंट व्यू में देखता हूं तो मुझे ए डैश कितना ऊपर दिखाई देगा? 60। तो मैंने जरा 60 mm की एक हाइट मेंटेन की, और उस हाइट पर जब मैं एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, जब मैं उस रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ लोकस ऑफ, मैं इसको बोलता हूँ लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए डैश। तो माय फ्रेंड, दो बातें हमको सेटिस्फाई करनी थी, कि ए डैश 60 mm ऊपर हो और बी डैश से 80 mm की दूरी पर हो। तो ये जो पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट उन दोनों चीजों को कंफर्म करता है। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा ए डैश बन जाता है। अच्छा, मुझे पता है जिस तरीके से बी डैश और बी एक लाइन में है, उसी तरीके से ए डैश और ए एक लाइन में ही होने चाहिए। तो यहां पर मैं जरा वो लाइन क्रिएट करता हूं, मैं वहां पर ये लाइन क्रिएट करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि जो पॉइंट, ये जो पॉइंट टॉप व्यू में आपने कहा ए, ये जो टॉप व्यू का ए है, ए की जो परछाई है टॉप व्यू में,
ये आपके एक्स वाई लाइन से कितना दूर रहने वाली है? 50. That's cool, man. That's cool. That's 100% correct answer. मैं 50 mm नीचे आके मैंने एक पॉइंट मार्क किया. 50 mm नीचे आके मैंने एक पॉइंट मार्क किया. मैंने इसका नाम दे दिया ए. जब मैं ए से बी को मिलाता हूँ, जब मैं ए से बी को मिलाता हूँ, माय डियर फ्रेंड, मैंने ए से बी को मिलाया, तो ये जो ए से बी की लंबाई है, इसे हम लोग बोलते हैं टॉप व्यू. ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा फ्रंट व्यू है. अच्छा, ये फ्रंट व्यू होने के साथ साथ ये ट्रू लेंथ भी है. ये ट्रू लेंथ भी है जो मुझे याद रखना है, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल था, इसलिए फ्रंट व्यू मेरा ट्रू लेंथ था. इन केस अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगी, तो आपका क्या ख्याल है, आपको ट्रू लेंथ कहां मिलेगा? फ्रंट व्यू पे मिलेगा या टॉप व्यू पे मिलेगा? मुझे उसका ट्रू लेंथ टॉप व्यू में दिखेगा कि फ्रंट व्यू में दिखेगा? टॉप व्यू में दिखाई देगा, है ना. तो यहाँ पे कुछ रिलेशन हमने समझे इस डायग्राम के अंदर. होपफुली अगले क्वेश्चन के अंदर इस डाटा से जो हमने अभी सीखा आपको हेल्प मिलेगी.